अभी तक आप सुहागन के रूप में देखी जा रही हैं, अभी तक आप सुहागन ही हैं, क्यों ऐसा? लव मैरिज शादी किया था? लव मैरिज शादी कैसे? कोर्ट में जाके हम लोगों ने शादी किया, प्रेम प्रसंग में हुआ, लेकिन ऐसा मायके तो नहीं जाएंगे? मायका नहीं, वो मायका मर गया, मायका मत कहिए उसको, कुछ नहीं हुआ। अगर वो मायका रहता ना तो आज मेरा सुहागना उजाड़ते। बच्चे की माँ बनने वाले हैं, 7 महीने के प्रेगनेंट हैं, अभी किस नाम से, किसके सहारे? ये एक पति ऐसे मरता है तो लोग मेरे पति को तो मारा है ना मिलके। कौन कौन मारा? मेरे पति को, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई, मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, उनके दो लड़के, उनकी बीबी, जो दोनों बीबी है वो, और उसके बाद मेरे 3 बुआ के लड़के। मेरे पति को बस जिस तरह मेरे पति को मारे ना, उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिली। प्रेम कब से चलता, कब ये सब हमें नहीं? कब प्यार किए थे इसे बताइए। 3 साल हो गया शादी के। लिए कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वो तो आपके भाई बाप हैं। भाई बाप, बड़े पास सारे, जितने सभी ने मिल के मारा, इसमें एक भी ऐसा ना जिन्होंने। तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आप अपना मंगलसूत्र और ये चूड़ी उड़ी सब नहीं उतारेंगे? कुछ नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे ही पहनी रहूंगी जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। किसी हद तक जा सकती हैं आप? जिस हद तक मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मेरे को प्रशासन ना भी कुछ करेगा ना मेरे को न्याय देगा, मैं बेशक उन लोगों को मार के मैं मर जाऊंगी। ये लड़का था पास के, एक लड़की, यानी ये इनसे लव मैरिज शादी किए थे, इसके वजह से वो लोग इन पे रिसियाए हुए थे, चाहे जो भी मामला हो सकता है उसके वजह से भी इनके पति को मारा गया है। ये जो लड़की देख रहे हैं ना, ये लड़की के भाई बाप, बड़े पापा, छोटे पापा, जो भी थे, पूरा परिवार के सदस्य मिल करके इनके पति, मतलब ये कहें तो अपने बहनोई की, अपने दामाद की, उन्होंने दिन दी। अब ये बेचारी बेजी हुई है। और ये एक बात और बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इसके बच्चे को क्या नाम देगी, कि इसका बाप कौन है, कहाँ गया, क्या कहेगी, हम सब कुछ जानना चाहेंगे, इसलिए कि ये लड़की बेसुध है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या घटना, क्या कुछ हुआ था घटना? आपसे क्या कह के गए थे आपके पति? मुझसे कुछ नहीं कह के। आपसे कुछ नहीं कहे थे? ये तो पता है आपके कि आपके भाई और पिताजी ने आपके पति को मारा है। हाँ। मारा है? तो क्या कहना चाहेंगे अपने भाई और पति के लिए? भाई और पति को बस जिस तरह मेरे पति को मारे ना, उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने एक ऐसा कहा गया कि आपने शादी किया, आपका पास में ही घर है। हाँ। लव मैरिज शादी किया था? लव मैरिज शादी कैसे? कोर्ट में जाके हम लोगों ने शादी किया था। कोर्ट में शादी? अभी तक आप सुहागन के रूप में देखी जा रही हैं, अभी तक आप सुहागन ही हैं, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि एक पति के मर जाने के बाद, पति की हत्या हो जाने के बाद हर पत्नी विधवा हो जाती है, अभी तक ऐसा क्यों? एक पति ऐसे मरता है तो लोग, मेरे पति को तो मारा है ना मिलके। हाँ। तो मैं जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं क्यों उतारूंगी? अच्छा, मतलब जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप अपना मंगलसूत्र और ये चूड़ी उड़ी सब नहीं उतारे? कुछ नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे ही पहनी रहूंगी जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। किसी हद तक जा सकती हैं आप? जिस हद तक मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। कहीं भी जाना पड़ेगा? कहीं भी जाना पड़ेगा। पति के बदले? पति के बदला लेके रहूंगी। अगर मेरे को प्रशासन ना भी कुछ करेगा ना मेरे को न्याय देगा। हाँ। मैं बेशक उन लोगों को मार के मैं मर जाऊंगी। मेरे आगे पीछे तो कोई है ना कि मैं किसी के लिए जीऊं। हाँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। चलिए, सभी को फांसी के फंदे पे मुझे देखना है, सभी को। अच्छा, कभी मायके जाएंगे? कभी? अब मायके तो नहीं जाएंगे। मायका नहीं, वो मायका मर गया, मायका मत कहिए उसको, कुछ नहीं हुआ। अगर वो मायका रहता ना तो आज मेरा सुहागना उजाड़ते वो लोग। आपके पति कौन कौन मारा? मेरे पति को, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई, मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, उनके दो लड़के, उनकी बीबी, जो दोनों बीबी है वो, और उसके बाद मेरे 3 बुआ के लड़के, सबने मिलके मारा। सबने मिल के, पूरे खानदान ने मिलके मारा। पूरे खानदान ने मिलके मारा, यहाँ तक मेरे 2 बूढ़े दादा भी है वो भी उसमें शामिल थे। अच्छा, बूढ़े दादा भी? वो भी उसमें शामिल थे, मरवाए मिलके उनको, 2 मारे उस दिन में। उसके बाद वो एंगल होता है उससे मारते गए हैं उनके सिर पे, जब तक वो सिर पूरा फुट फाट ना गया तब तक वो मारते रहे मेरे पति को। अच्छा, शादी किया था। हाँ। और कहीं ना कहीं ये मामला है कि आपके भाई और पिताजी को नागवार लगा, नागवार गुजरा कि हमारी बेटी उस घर में शादी कर ली, इसके वजह से तो नहीं मारा गया? नहीं नहीं, उन लोगों का कोई दुश्मनी था, इलेक्शन का हारे थे उसका। अच्छा, उसका था। हाँ। आपसे जोड़ करके नहीं देखा जा रहा है इस चीज को? नहीं, सिर्फ मेरा नाम दिया जा रहा है। हाँ। कि ये सब प्रेम प्रसंग में हुआ, लेकिन ऐसा कुछ ना हो, वो हारे हैं उसका बदला लिए हैं। इलेक्शन में आपकी सासू माँ खड़ा थी तो वो जीत गई हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं क्या बिहार का, ये जो माँ बैठी हुई है ना, उपमुखिया हैं, और उपमुखिया के जब सुरक्षित नहीं है, उपमुखिया का परिवार सुरक्षित नहीं है हमारे बिहार में, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे भाई?
कैसी सरकार है यहाँ की और कैसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, सब कुछ देख करके भी अनजान बन जाती है। यहाँ की माँ जो है बार बार ये गुहार लगा रही है पहले से कि हमारे बेटे की हत्या, हमारे पूरा परिवार की हत्या हो सकती है, और प्रशासन यहाँ तक आती नहीं है, मजाक में ले लेती है, हल्के में ले लेती है इस चीज़ को, और आखिरकार का चिराग बुझ ही जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो इनकी पत्नी है, महज 20-22 साल की पत्नी होगी इनकी, और इनके ये जो हैं ये बच्चे की माँ बनने वाले हैं, 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं, अब ये किस नाम से किसके सहारे ये जिएंगे, अब ये भगवान ही मालिक हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में भगवान इनकी सहायता करें। और हम जानना चाहेंगे माँ से इनका कि आखिर जो ये मामला हुआ है, आप उप मुखिया हैं, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। आप उप मुखिया हैं, सबसे पहला बात उप मुखिया हैं, आप उप मुखिया होकर सुरक्षित नहीं है बिहार में? नहीं है, नहीं है। देखिए ये गांव ऐसा है, आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक दबंग होता है 2-3 गो मिलके जो पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है, पूरा गांव उसका गुलाम हो रखा है। अच्छा। थाना भी गुलाम हो रहता है, ऐसा हाल है इस गांव का। अच्छा। इसलिए हम जब आए ना तो हमें सारा गांव मिलके, हम सवेरे गांव मिलके चुनाव में खुद खड़ा किया, हम खड़ा हो गए, गांव वाला आपको सपोर्ट करता है? हां, तभी ना जीत गया आप। हां, पूरा गांव हमको मिलके वोट दिया, उसको 10 वोट मिला, हमको 100 वोट मिला। अच्छा। हमको खुद जबरदस्ती उठाया हमारे घर में, हमारा तो सारा राशन कार्ड पैन कार्ड सब कुछ दिल्ली का था, लेकिन चेंज करवाए गांव के लोग मिलके एक दिन में। अच्छा। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हम लोग जिताएंगे, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग उससे बहुत पीड़ित है। अच्छा। उसका गांव में तो मंगाई चलता है, आप जीत जाएंगे तो कुछ हम लोग को हेल्प मिलेगा। हम जीते, एक साल बहुत गाँव का मदद किए, एक साल हम इतना उसके खिलाफ हो गए कि शराब दारू का धंधा पूरे गांव में सप्लाई करता था, यहीं अड्डा बनाता, 10-20 आदमी मिलके खूब शराब पीता था, और वो उसके घर से शराब का धंधा, ये हमारा देवर है, दूध बेचता है, एक वो मैं दूध लेता है, और एक वो क्या होता है डब्बा, उसमें शराब लेता है, और उसका माल ये सप्लाई करता है। ये इसका बेटा 2 गो है, वो तीनों मिलकर रात को झोरा में लेके यहीं से निकलेंगे वो शराब, और रात को सप्लाई करके आएंगे, हम देखे थे यहाँ तो डांटेंगे भाई ऐसा काम मत करो। आपको आपके ऊपर प्रतिनिधि दिया गया है कि गांव की सुरक्षा करें, बताएं लोगों को? हमारे प्रतिनिधि में कसम दिया गया था कि शराब का धंधा बंद करवाना, हम बोले भाई ये सब काम मत करो, बस हमारा सूरज विरोध करने लगा, वो मर्द था, सिर था, वो 10 गो लोग को हमेशा उसके पास झुमेट मारने थे, वो सबको विरोध करने लगा, बस सूरज का दुश्मनी यहाँ से शुरू हुआ। इन लोगों का प्रेम कब से चलता कब, ये सब हमें नहीं मालूम, बताइए सब थोड़ी माँ बाप को मालूम होता है लड़का लड़की का प्रेम कब, क्योंकि हमारा लड़का कहीं जाता नहीं था, इन लोग का सिर्फ फोन से प्रेम था। अच्छा। ये फोन करती थी, वो नहीं ये जाता था ना वो आती थी। अच्छा। ये सब नहीं होता था इन लोग को। उसके बाद ये लोग जब भाग गए। अच्छा, भाग गए। हाँ, तो हमको पता लगा, वो ही हमारे घर पर आके तोड़फोड़ मचाने लगे, लड़की इसकी गई तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। अच्छा। तभी भी हम कह रहे हैं हाथ जोड़ के, देखो लड़की तुम्हारी गई है, हमारा लड़का ढूंढने जा रहे हैं, कहीं से भी हमारा लड़का ढूंढ के लाएंगे, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर रही, हमारे लड़के हमारे घर रहे। लेकिन इसका जो दादा था मास्टरमाइंड, वो पूरे गांव पर हुकूमत चलाता है। अच्छा, पूरा हुकूमत चलाता है। हाँ, हुकूमत चलाता है, उसकी जमीन, उसकी जमीन, उसका सबका जमीन बेच देता है। अच्छा, दबंग है। हाँ, दबंग है, दबंग है वो, उसका बहुत चलती चलती है। उससे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा लड़का गया है ढूंढ के लाएगा, तुम शांति रहो। एक दिन में सारा गाड़िया थाना में, हम आप जाके 100 बार दरोगा साहब के पैर पकड़े हैं कि हमारे लड़के को सुरक्षा दीजिए, हमारे लड़के को, मुखिया जी हमारे गए हैं, वो हमारे सामने बोले हैं कि हमारे मुखिया उप मुखिया है भाई, इनका सुरक्षा दीजिए। जिस दिन हम थाना पर आवेदन देके आए, घर में आए, घर पे हमला हो गया, घर में से हम फोन करे जा रहे हैं थाने पर। अच्छा। भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। उसके बाद बोलो हमला कर उड़ के तोड़ फाड़ के सब खुद अपना ताला ले आके बंद कर दिए, अपना ताला बंद। हाँ, बंद कर दिए, हम लोग अंदर बंद ऊपर छुपे हैं, प्रशासन नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। फिर हमारा लड़का ये दोनों गोपालगंज से आके थाना पर जाके, तब थाना इन लोग के साथ आई, थाना आई तो ताला खोला तो हम लोग निकले। अच्छा। तब उसके बाद सारा फोटो, थाना बोला केस कीजिए, केस कर दिए। 4 दिन के बाद सारा केस रफा दफा हो गया, 2 दिन में इन लोग का सारा का बेल हो गया। कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा नहीं मिली? नहीं मिली, और सबका बेल उल करके इतना डरता है थाना की, पैसा खाता है, सब करता है। अच्छा। कुछ नहीं करता। उसके बाद हम DSP साहब के पास गए, वहाँ भी हाथ पैर जोड़ के आए कि भाई अब उप मुखिया है, हमारे परिवार का सुरक्षा के दिया, हमारे परिवार पर खतरा मन रहा है, वो भी बोले हाँ हाँ कर रहे हैं, लिखी गए। लेकिन वो कुछ नहीं, लेटर पेटर कुछ ना, कोई नेता सुनता है ना कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता।
बस वो दमंग इतना छापा हुआ है कि उसका चलती है, कुछ नहीं सुनता कोई। हमारा बेटा मर गया और दो बेटा है, एक ही तीन गो हत्या कभी भी हो सकता है, मतलब पूरा परिवार को जान खतरा है। अब भी धमकी आ रहा है इसका बाप द्वारा, अभी धमकी आ रहा है किसी किसी के जो एक हत्या कर दिया है, दो गो तीन गो और करेंगे और सिलेंडर करेंगे। चलिए जानना चाहेंगे, अभी भी आप सुरक्षित नहीं है, आपकी भी हत्या हो सकती है, कभी भी हो सकती, कभी भी हो सकती है। अच्छा एक चीज जोड़ के देखा जा रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला, आपने आप लोग कब शादी किए थे, कब प्यार किए थे, इसे बताइए। 3 साल हो गया शादी के, 1 साल हुआ। आप लोग का अफेयर 3 साल से था, शादी के 1 साल हो गए, है ना। अच्छा आप अपने भाई के लिए कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वो तो आपके भाई बाप हैं। भाई बाप बड़े पास सारे जितने सभी ने मिल के मारा, इसमें एक भी ऐसा ना जिन्होंने छोड़ा है, सबने मारा। यहाँ तक कि बुआ के लड़के भी आके मारे हैं, बुआ के लड़के मारे हैं, बुआ के लड़के भी आके मारे मेरे 3 बुआ की। अच्छा सब लोग मिलकर के मारे हैं, ने मिल के मारा है। अच्छा आपको कहीं ऐसा धमकी नहीं दिया जाता था कि तुम्हारा हम मांग उजाड़ देंगे? देते थे धमकी, कई बार हमला भी किए थे वो लोग। अच्छा हमला भी किए थे, हमला भी हुआ था, लेकिन कोई केस का सुनवाई नहीं हुआ, केस रद्द करवा दिए सब। कोर्ट से जाकर छपरा से केस पहले की थी, पहले इसका जान। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लड़की जो है केस की है कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारी हत्या हो सकती है, हमारे भाई बाप हमको मार सकते हैं। मारे थे पहले, मारे थे, हाँ पहले इसको मार चुके थे। अच्छा। पहले तभी एक केस की हम लोग को नहीं पता था, जब ये लोग भागे थे ना तभी इन दोनों पर हत्या हुआ था हमला, तभी ये जाके छपरा कोर्ट में केस की। हम जानना चाहेंगे कि आपने किस के लिए केस किया था? हमला किए थे मुझ पे, उसके लिए। आप पे हमला किए थे? हाँ, मेरे पे और सूरज पे, मेरे पति जो थे उन पे। अच्छा। उसका मैंने कोर्ट से किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ उसका, वो लोग पैसा दिए केस दब गया। पैसा देकर केस दबा दिए? दबा दिए उसके। आप लोग, आपके भाई बाप ने पैसा दिया थाने में और वो मामला वहीं सुलट गया। हाँ, उसके बाद कई बार कोर्ट में भी मैं गई थी गवाही देने, उस दिन भी मेरे को धमकी दिया गया था कि तुम दोनों को मार देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से चिढ़ गए थे वो लोग? चिढ़ित उससे नहीं थे, वो लोग हारे थे उससे, वो चिढ़ित थे। वोट में हार गए इसलिए ना? हारे थे, वो लोगों का पहले से ही दुश्मनी थी। अच्छा। बस इन लोगों का एक मैटर मिल गया इसको आगे बढ़ाने का। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये किसके सहारे जिएंगे, बहुत बड़ा सवाल है और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, हमारे बिहार के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है कि ये लड़की जो है अब किसके सहारे जिएगी। ये 7 महीने का प्रेग्नेंट है, ये 1-2 महीने में माँ भी बन जाएगी, लेकिन ये अब अपने पति को खो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही है और ये लोग अभी भी जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए कि ये लोग सुरक्षित नहीं है। इनके पापा के द्वारा अभी भी धमकी दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा, क्या बोला जा रहा? अभी भी धमकी दिया रहा कि उनके दोनों भाई और मेरे बच्चे को भी मार देंगे वो लोग। बच्चे को भी मार देंगे? कैसी पुलिस प्रशासन है, कैसी पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, और क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करके प्रशासन तक, जिला पुलिस तक पहुँचाया जाए और इस बात को रखा जाए कि यहाँ पर अगर इस तरह की घटना होता है, जघन्य अपराध होता है और यहाँ पर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो कैसे चलाएगी देश सरकार, कैसे चलाएगी बिहार की सरकार।